हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो विद माय डेली लाइफ। में आज मैं आप लोगों के साथ दो DIY शेयर करूंगी जो कि जन्माष्टमी से रिलेटेड हैं, जो कि बच्चों के स्कूल में रिक्वायरमेंट थे तो वही मैंने बनाया है और वही DIY जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि फेस्टिवल आते ही हमारी ख़रीदारी जो है वो शुरू हो जाती है, हमें मार्केट जाना ही होता है, तो उसमें साथ साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा कि उनके स्कूल में भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट हैं, एक्टिविटी वगैरह होती हैं, तो फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं, तो उससे भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जन्माष्टमी से दो दिन पहले मार्केट गए थे, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये व्यू अपने शहर का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मार्केट से जब हम लोग वापस शाम को लौट रहे थे तब का व्यू है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अब हम अपने DIY को। तो सबसे पहला जो DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने ये फैब्रिक। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने, 5 मीटर जो है ऊपर का नेट का फैब्रिक है, इस पर सिक्वेंस वगैरह का काम हुआ है। ये थोड़ा सा बहुत ही लाइट में जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लाइट में जो है इसका लुक उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये फैब्रिक लाइट पिस्ता ग्रीन कलर का था तो ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये 5 मीटर ये ले लिया है। और 5 मीटर मैंने इसका लाइनिंग का जो कपड़ा था वो मैंने लिया था। मैंने सोचा था कि इसमें हम दोनों माँ बेटी जो है एक जैसा मैं ड्रेस बनाऊंगी, बट मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए उसे स्कूल में लहंगा पहन के जाना था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इससे तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इसको कपड़े को काटा है, फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैंने फुल फ्लेयर में जो है लहंगा तैयार किया है। यहाँ पे घेरा जो है वो मैं अम्ब्रेला कट डिज़ाइन में कट करके मैंने और उसके बाद लहंगा बनाया है। तो वो कटिंग वगैरह मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ यही दिखा रही हूँ कि मैंने जो इससे बना के तैयार किया है वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कटिंग वगैरह नहीं बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने नीचे का घेरा तैयार कर लिया है, जो स्कर्ट हमारा होता है वो मैंने अम्ब्रेला कट डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है और उसके बाद इसे मैंने तैयार किया है। यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ जो है मुझे तो ये अच्छा लगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। यहाँ पे मैंने ये स्कर्ट में ही इसके दुपट्टे को मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने मेरे पास क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने 5 मीटर कपड़ा ले लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं बाहर जाने पे इस पे प्लेन दुपट्टा मिलेगा या नहीं इस फैब्रिक का, तो इसी से मैंने इसका दुपट्टा भी तैयार कर लिया और इसे इसी में अटैच करके इस लहंगे को मैंने तैयार कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो अस्तर जो लाइनिंग का कपड़ा था ना, उसी से मैंने ऊपर का उसका टॉप बनाया है, जो ब्लाउज पार्ट हमारा होता है, तो उसे मैंने वही प्लेन कपड़े से उसका टॉप बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लहंगा जो है वो दोनों ही लहंगा और चुन्नी दोनों ही हैवी वर्क वाले कपड़े से बना लिया था, तो इसीलिए मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे ब्लाउज जो है वो मैंने प्लेन बना के तैयार कर लिया था। तो ये रहा हमारा ब्लाउज़, फाइनली तैयार हो गया था। जो ऊपर का टॉप होता है ना वो मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया था। अभी मैंने इस पर इसे प्रेस वगैरह नहीं किया है, मैंने इसे इस पर थोड़ा सा प्रेस कर देने से जो इसका स्टिच है वो बैठ जाता है, तो मैंने ऐसे ही आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। ये बन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। सेकेंड DIY जो उसके स्कूल में रिक्वायरमेंट थी, जो सेकेंड चीज़ थी वो थी मटकी। तो मटकी के लिए मैंने एक मिट्टी का मटका मंगाया था, छोटा सा ही मैंने मंगाया था, तो उसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिरर क्ले और फेविकॉल और कलर की हेल्प से मैंने लिपन आर्ट जो है क्रिएट किया है। लिपन आर्ट बनाते हुए इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है।
इसे मैंने मोल्डेड क्ले से ही इस पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दिया था, ताकि ये जो मटकी है वो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। और क्योंकि जब हमें कुछ हम अपने हाथों से उस पर क्रिएट करते हैं या कोई भी चीज़ डेकोरेट करते हैं, तो उसका लुक कुछ अलग ही आ जाता है। मार्केट से जो कुछ भी हम लोग लेते हैं तो वो तो कॉमन ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी यहाँ पे जो है कलर वगैरह करके तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का ही ये मटका तैयार किया है, रेड और ग्रीन। मेरे पास येलो कलर नहीं था और मिरर से इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने इस पे इसका डिटेल्स वीडियो में शॉर्ट में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरे बच्चों का लुक, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी बेटी जो है पहन के बहुत ही खुश हो रही थी। तो आप लोग को कैसा लगा ये DIY मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और दोनों की हंसी रुक नहीं रही थी, क्योंकि वो इतना सज धज के पहली बार तैयार हुई थी और बहुत छोटी है, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये रहा मेरा इस जन्माष्टमी का DIY। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।